सर आपसे जानना चाहूँगा ऑनलाइन कितना अच्छा जी। कुलदीप जी, ऑनलाइन के बारे में मैं क्या बोलूँ। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र के लोग अपनी खुद की जानी पहचानी दुकानों पर आएँ, खुद की क्वालिटी को देखें और परखें और अपनी ज़रूरत के सामान को खरीदें और अपने आपसी रिश्ते को मजबूत करें। ऑनलाइन से कितना फ़ायदा कितना नुकसान, आप लोग भी व्यापारी हैं। हम लोग ऑनलाइन तो चाहते हैं कि ना हो ऑनलाइन, और ग्राहकों को सबसे अच्छा सुविधा है कि क्षेत्रीय लोगों में जाके क्षेत्रीय दुकानदारों से लेके कोई भी कंप्लेन होती है तो क्षेत्रीय दुकान आपके अगल बगल में सहयोग करते हैं। बाकी कंपनी से लाए हैं, एक महीना डेढ़ महीना आपको टलती रहती है। जानना चाहूँगा क्या ऑनलाइन से आप सहमत है कि नहीं सहमत। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ कि आने वाले त्योहारों में आप लोग अपनी स्थानीय दुकानों से शॉपिंग करें, क्योंकि लॉकडाउन से हम लोग का बहुत नुकसान हो चुका है। हम लोग की दुकानें इतने दिनों से बंद थी, हम लोग घर पे बैठे थे, दुकानें बंद थी, तो हम लोग का बहुत नुकसान हो गया है। इसलिए मैं चाहूँगी और निवेदन करती हूँ आप लोग से कि आने वाले समय में आप लोग त्योहारों में अपनी स्थानीय दुकानों, अपने आस पड़ोस की दुकानों में शॉपिंग करें और हम लोग को बढ़ावा दें। धन्यवाद। थैंक यू। नहीं, ऑनलाइन तो देखा जाए तो कस्टमर के लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि वो ऑनलाइन मंगाते हैं, ऑनलाइन में 90% गलत आता है, 10% सही आ गया तो उसकी किस्मत है। अगर वो दोबारा वापसी करना चाहते तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। मगर हमारे यहाँ जो कस्टमर आता है, दो बार देख के, तीन बार देख के तब लेता है, और कोई चीज़ अगर दिक्कत हुआ तो वो दूसरे दिन फिर बदल सकता है। मैं उनको सुविधा देता हूँ, ऑनलाइन में कोई सुविधा नहीं। सिर्फ व्यापारी को फ़ायदा नहीं है, मगर कस्टमर को बहुत नुकसान है। फ़ायदा हमको है, मगर कस्टमर का हमारे बहुत नुकसान होता है। वो कस्टमर नहीं समझ सकता है कि ऑनलाइन बेचने वाले उनका एडवर्टाइज कितना है, वो कहाँ से एक के साथ एक फ्री देंगे। वो कस्टमर को समझना है, अगर मैं भी एक साथ एक फ्री दूंगा तो मैं उसमें प्राइस जोड़ के तब दूंगा। जी जी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे जितने कस्टमर हैं, मेरे क्षेत्र के या मेरे बाहर के भी लोग हैं, वो सिर्फ अपने क्षेत्र से सिर्फ कपड़े लें, सामान लें, कोई भी सामान हो ऑनलाइन मत लें। आपके इतना बड़ा व्यापार है, क्या लगता है ऑनलाइन सर्विस सही है? मेरे हिसाब से तो कुछ भी सही नहीं है। जी जी, ऑनलाइन जो शॉपिंग करते हैं उनके लिए कुछ कहेंगे? कुछ भी सही नहीं है। अब ये कि घर बैठे एक काम हो रहा है वो ठीक है, बस और क्या है। क्वालिटी का क्या कहते हैं उसमें? क्वालिटी ये है कि घर बैठे कोई भी चीज़ अगला दुकानदार दे देता है, और जो आदमी देख के लेता है, देख के लेने वाला, वो कभी ऑनलाइन नहीं करता है, कहता हम देख के लेंगे, समझ के लेंगे। और उसमें ये होता है पुराना किस्म का माल, जो ओवरड्यू का माल है, सब मिल जाता है ऑनलाइन में। सर आपसे जानना चाहूँगा, इस समय ऑनलाइन जो सेवा हो रही है उस पर ऑनलाइन आप सेवा लेते हैं या आप उसको सपोर्ट करते हैं? नहीं पर सर, ऐसा है कि ऑनलाइन सर ज़्यादा अच्छा तो नहीं है। ये है कि ऑनलाइन से बढ़िया है कि अगर हम लोग छोटे व्यापारी अगर हैं तो सामान वगैरह हम ही लोगों से लें, जो हमारे आसपास के क्षेत्र के निवासी हैं वो हम ही लोग से सामान लें, जिससे हम लोगों के बिजनेस को बढ़ावा थोड़ा मिले। और ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन में सरकार इसमें अच्छा भी है और बुरा भी है। सस्ते के चक्कर में लोग ले रहे हैं ऑनलाइन, और वो जो है बेकार हो जा रहा है सामान। आपसे जानना चाहूँगा ऑनलाइन कितना अच्छा है कितना नुकसानदेह? सर देखिए, ऑनलाइन से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोगों को ऑनलाइन से बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि हम लोगों का सामान नहीं बिकता। लॉकडाउन के समय भी लोग ऑनलाइन मार्केटिंग करते थे, जिस कारण हमारे यहाँ व्यापारी आते नहीं थे, सीमित दायरे में व्यापार होता है। तो हम तो यही चाहते हैं कि लोग भाई हमारे यहाँ आए, आके माल लें, और जो ये ऑनलाइन का सामान होता है ये महंगा भी आदमी को मिलता है और क्वालिटी भी नहीं ट्रस्ट कर पाते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं, और क्या है। देखिए कुलदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आपने आज व्यापारी के लिए जो एक अभियान छेड़ा है कि उनके खिलाफ ऑनलाइन के लिए, तो ऑनलाइन में मुझे ये कहना है कि ऑनलाइन है क्या? जो लोग अपने घर सुविधा सोचते हैं कि घर बैठ करके हम ये सामान, ये चीज़ बैठ मंगा लेते हैं, वो सामान तो खाली ऐड में देखते हैं, एडवर्टीजमेंट देखा कि क्या चीज़ है, कितना अच्छा दिखाया, नेचुरलिटी उसकी तो नहीं मालूम चलता। जब वो घर पे सामान मंगाते हैं, पता चला सामान डुप्लीकेट दे देते हैं, या तो कोई लिक्विड की चीज़ें होती है तो उसमें चेंज करके वो तो कोई भी सामान होता उसकी जगह पानी भर के दे दिया जाता है। ऑनलाइन तो सिर्फ एक बेवकूफ बनाने का तरीका है। यू मीन टू से इट्स नॉट सेफ फॉर एनी पर्सन? मुझे तो बस यही कहना है कि हर आदमी इसके खिलाफ़ आवाज़ उठाए,
ये हर आदमी जो कंज्यूमर है उसका भी शोषण हो रहा है। अभी मैं आपको बहुत ऐसे लोगों से मुलाकात करा दूंगा जिसमें ये आपको बताएंगे ऑनलाइन में कितनी प्रकार की और कैसे उनके साथ चीटिंग की गई। हम तो यही कहेंगे कि अपने जो क्षेत्रीय लोग हैं अपने क्षेत्रीय दुकानदार से सामान खरीदें और ऑनलाइन का जो बढ़ावा है उसको वहीं पे समाप्त करें। थैंक यू। ऑनलाइन कितना अच्छा है कितना नुकसानदेह है? अच्छा तो है कि सुविधा है, लेकिन नुकसानदेह है कि हमारी लोकल बाज़ार इससे डाउन हो रही है और इस समय लॉकडाउन भी था, काम बंद था, तो यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको नुकसान हो रहा है ऑनलाइन की वजह से। तो अब मैं सबसे यही निवेदन करूँगी कि सब लोग अपनी आसपास की मार्केट को बढ़ावा दें और यहीं के व्यापारियों से सामान खरीदें और लोकल फॉर वोकल का हमारा जो नारा मोदी जी ने दिया है उसका सर शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे। हम सभी व्यापारियों के लिए चाहेंगे कि उनका यहाँ पर व्यापार बढ़े और ऑनलाइन से काम कम हो। धन्यवाद।